सियासी तलछट में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय वर्मा। आज हम बात करेंगे 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने खड़ी और सबसे बड़ी चुनौतियों पर। विपक्षी गठबंधन की बैठक अब 17 दिसंबर के लिए स्थगित हो चुकी है। कोई कह रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य ज्यादा लंबा नहीं रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर चल रहे खींचतान में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस 3 राज्यों में हुई हार से पहले आश्वस्त थी कि गठबंधन का नेता राहुल गांधी को ही बनाया जाएगा, लेकिन इस हार के बाद इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे आ रहा है। अभी हाल ही में चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की लीडरशिप चाहते हैं और इसीलिए वे गठबंधन की बैठकों में कन्नी काट रहे हैं, लेकिन बाद में खुद नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वे बीमार थे और जल्द से जल्द चाहते हैं कि गठबंधन के नेता का सब कुछ फाइनल किया जाए ताकि 2024 की लड़ाई के लिए वे आगे बढ़ सके। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वे अपने राज्य का हित चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जीत कर अति आत्मविश्वास में 3 राज्य गंवा चुकी कांग्रेस किस मुंह से इंडिया गठबंधन की लीडरशिप मांगेगी। बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार ने राहुल गांधी के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दिनों राहुल गांधी की विदेश यात्रा की भी चर्चाएं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से गंभीर भी हैं या नहीं। इंडिया गठबंधन के लिए ममता बनर्जी भी अपना मजबूत प्रतिनिधित्व रखती है। ऐसे में गठबंधन की नेता के तौर पर टीएमसी के नेता भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी को मौका मिले। देश में जिस तरह की सियासत चल रही है उसके मायने तो यही कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सरकार तो नहीं बना पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मोदी तंत्र के खिलाफ इस गठबंधन अस्तित्व में लाया गया है, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की भूमिका भी निभा पाएगा या नहीं। दरअसल जिस उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन को खड़ा किया गया था वो उत्साह अब धराशायी नजर आता है। भारत की मौजूदा सियासत में विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी से लड़ाई को हल्के में लिया गया तो इस बार और भी ज्यादा बुरे हालात होंगे। अपने निजी स्वार्थों में डूबे कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी अब अपने आंखें खोलनी होंगी। गठबंधन का नेतृत्व कर देश के पीएम बनने का सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन हालातों में हास्यास्पद भी है। वजह साफ नजर आ रही है कि आम चुनावों में साल भर का समय भी नहीं बचा है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सामंजस्य की बिल्कुल कमी है। घटक दलों के खुद के स्वार्थ ने बड़े हैं कि इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में दूसरा विकल्प बनना बेमानी लगता है। तीनों राज्यों के चुनावों में अपने स्वार्थ और अति आत्मविश्वास में डूबे कांग्रेसी नेताओं की तो अपनी ही पार्टियों के साथ भितरघात की भी खबरें सामने आई है। अब अगर सभी दल अपने निजी स्वार्थ और अति आत्मविश्वास से खुद को बाहर निकालकर अगर गठबंधन को मजबूत करें तो भी इंडिया गठबंधन महज एक मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पाएगा। सियासी तलछट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।